समीर वानखेड़े पर वसूली के आरोप लगाने वाले क्रूज ड्रग्स केस के गवाह प्रभाकर सेल ने एनसीबी करेगी पूछताछ। पूछताछ के लिए आज 12 एनसीबी दफ्तर बुलाया गया है। एनसीबी के जोनल डायरेक्टर समीर वानखेड़े दिल्ली से मुंबई पहुंचे, जांच टीम के सवाल पर कहा वेल डन। एनसीबी के 5 सदस्यों की विजिलेंस टीम समीर वानखेड़े पर वसूली के आरोपों की जांच के लिए आज सुबह 9 बजे मुंबई होगी रवाना। विजिलेंस चीफ ज्ञानेश्वर सिंह भी मौजूद रहेंगे। महाराष्ट्र के सीएम उद्धव ठाकरे से मंत्री नवाब मलिक ने मुलाकात की, समीर वानखेड़े के खिलाफ एसआईटी जांच कराने की मांग की। एनसीबी के जोनल डायरेक्टर समीर वानखेड़े पर महाराष्ट्र के मंत्री नवाब मलिक के नए आरोप, नकली जाति प्रमाण पत्र पर सिविल सर्विस परीक्षा पास कराने के आरोप लगाए। नवाब मलिक के आरोपों का जवाब देने सामने आया समीर वानखेड़े का परिवार। पत्नी, पिता और बहन ने कहा ईमानदारी से काम किया, इसलिए नेता परेशान कर रहे हैं। बीजेपी महासचिव कैलाश विजयवर्गीय का बयान, बोले महाराष्ट्र में केंद्रीय एजेंसी का ईमानदार अधिकारी काम नहीं कर सकता। दाऊद भले ही हमारे देश में ना हो लेकिन उसका प्रभाव महाराष्ट्र के मंत्रियों पर है। आयरन केस में दस्तावेजों के हवाले से एनसीबी की गलती का बड़ा खुलासा। एनसीबी के दस्तावेजों में किरण गोसावी के 2 पत्ते लिखे हैं। 2 आधार कार्ड कहां से लाया गया गोसावी? ये आधार कार्ड लाया ही नहीं। ड्रग्स केस से ही जुड़े कुछ और खबरों का अपडेट देते हैं आपको। क्रूज ड्रग्स केस में शाहरुख के बेटे आर्यन की जमानत पर बॉम्बे हाईकोर्ट में आज दोपहर 2:30 बजे फिर सुनवाई। कल कोर्ट से नहीं मिली थी जमानत। आर्यन के वकील मुकुल रोहतगी ने कोर्ट में कहा आर्यन खान से ना कोई ड्रग्स बरामद हुई, ड्रग्स लेने की कोई जांच भी नहीं की गई, आर्यन की गिरफ्तारी निराधार है। क्रूज ड्रग्स केस में 2 आरोपी मनीष राजगरिया और अवनी साहू को सेशंस कोर्ट से जमानत मिली। मनीष राजगरिया से 2.4 ग्राम गांजा मिला था। ड्रग्स केस में आर्यन खान और अभिनेत्री अनन्या का कथित नया व्हाट्सएप चैट सामने आया। अनन्या से आर्यन ने कोकीन लेने की बात की, दावा है कि अनन्या ने लिखा चरस की डिमांड ज्यादा है। मुंबई में 14 करोड़ की ड्रग्स की खेप जब्त, कश्मीर से राजस्थान के रास्ते लाई जा रही थी ड्रग्स। दहीसर में पुलिस ने 4 लोगों को गिरफ्तार किया। मुंबई के पूर्व पुलिस कमिश्नर परमवीर सिंह को भगोड़ा घोषित करने की तैयारी शुरू। महाराष्ट्र सरकार ने परमवीर की सैलरी रोकी, छुट्टी का बहाना बनाकर मुंबई से बाहर गए थे परमवीर, अब फरार है। पेगासस जासूसी मामले की जांच की मांग पर सुप्रीम कोर्ट आज सुनाएगा फैसला। सुनवाई के दौरान एक्सपर्ट ने एक निष्पक्ष कमेटी बनाने का प्रस्ताव दिया था। बिहार में उपचुनाव के लिए प्रचार तेज, लालू यादव की आज तारापुर और कुशेश्वर स्थान विधानसभा सीट पर जनसभा। जेल से छूटने के बाद लालू की पहली बार चुनावी रैली। भक्तचरण दास पर टिप्पणी को लेकर लालू यादव पर हमलावर कांग्रेस। बिहार प्रदेश कांग्रेस के नेता अनिल शर्मा ने बयान की निंदा की और लालू यादव से शब्द वापस लेने की मांग की। बिहार में उपचुनाव के बीच जुबानी जंग तेज, लालू यादव के बयान पर नीतीश का पलटवार, कहा लालू चाहें तो मुझे गोली मरवा सकते हैं। लालू ने कहा था कि नीतीश कुमार का विसर्जन करने आए। बिहार उपचुनाव प्रचार के लिए एक्शन में एनडीए, सीएम नीतीश ने उम्मीदवार के लिए रैली की। बिहार बीजेपी के संगठन मंत्री भीखू भाई दलसानिया भी तारापुर पहुंचे। यूपी के चुनावी मौसम में योगी सरकार का बड़ा फैसला, कोरोना प्रोटोकॉल तोड़ने से जुड़े 3 लाख मुकदमे वापस होंगे। यूपी के सभी जिलों के डीएम को भेजे गए आदेश। यूपी में विधानसभा चुनाव से पहले पिछड़े वर्ग के वोट को साधने में जुटे सीएम योगी, लखनऊ और गोंडा में बीजेपी पिछड़ा वर्ग सम्मेलन में शामिल होंगे। नमस्ते भारत, देख रहे हैं आप और अब बात आपसे जुड़ी हुई, क्या कोवैक्सीन लगवाने वालों को अमेरिका में एंट्री मिलेगी? इस सवाल के जवाब का इंतजार बेसब्री से लोगों को था और खास तौर से उनको जिन्होंने कोवैक्सीन की डोज ले ली है, मगर अब ये इंतजार थोड़ा और लंबा हो गया है। भारत में बनी कोवैक्सीन को WHO की इजाजत मिलेगी या नहीं, इस पर सस्पेंस बरकरार है। कोवैक्सीन लगवाने वालों को अमेरिका में एंट्री मिलेगी या नहीं, ये सवाल अब भी बना हुआ है।
कोवैक्सीन के इमरजेंसी इस्तेमाल की मंजूरी को लेकर WHO की बैठक हुई, जिसमें कोविड वैक्सीन के इमरजेंसी इस्तेमाल की इजाजत देने वाली टेक्निकल एडवाइजरी ग्रुप ने आखिरी फैसला लेने से पहले भारत बायोटेक से और जानकारियां मांगी हैं। आगे कुछ भी बताएं, उससे पहले जान लीजिए कि भारत बायोटेक की कोवैक्सीन कितनी असरदार है। कोवैक्सीन तीसरे फेज के ट्रायल में कोरोना के सामान्य मामलों में से 77.8% और कोरोना के डेल्टा वेरिएंट पर 65.2% असरदार पाई गई है। भारत में प्रमुखता से दो ही वैक्सीन लोगों को लगाई जा रही है, एस्ट्राजेनेका और सीरम इंस्टीट्यूट की कोविशील्ड और भारत बायोटेक की कोवैक्सीन। इस साल जनवरी से लेकर अगस्त तक कोवैक्सीन की 2,30,79,293 डोज लोगों को लगी, जबकि कोविशील्ड की 16,31,52,885 डोज लगी थी। 3 नवंबर तक भारत बायोटेक को कोवैक्सीन से जुड़ी अतिरिक्त जानकारी WHO को देनी है। देखना होगा कि क्या कोवैक्सीन और कोविशील्ड लगवाने वालों को अमेरिका में एंट्री मिलेगी या नहीं। आप देख रहे हैं नमस्ते भारत। इस वक्त की बड़ी खबर तमिलनाडु से आ रही है, जहां के कलाकुरुची में एक भीषण हादसे में 5 लोगों की मौत हो गई है, जबकि 5 लोग घायल बताए जा रहे हैं। आपको बता दें, एक पटाखे की दुकान में आग लगने से यह हादसा हुआ। CMMK स्टालिन ने घटना पर दुख व्यक्त किया है। मृतक के परिवारों को 5-5 लाख रुपए के मुआवजे का ऐलान भी किया है। गंभीर रूप से घायलों को 1-1 लाख रुपए की आर्थिक मदद का ऐलान किया गया। क्या से क्या हो गया देखते देखते, कुछ ऐसे भी हैं जो कह रहे हैं कि शुक्र है भगवान का। इस वीडियो को देखिए, वीडियो महाराष्ट्र के भिवंडी का है, जहां बाइक स्टार्ट करने की कोशिश कर रहे व्यक्ति के साथ हादसा हो गया। व्यक्ति की कई कोशिशों के बाद भी बाइक स्टार्ट नहीं होती, लेकिन अचानक बाइक झटके से आगे बढ़ती है। झटके से आगे बढ़ती है और सीधा सामने दुकान में घुस जाती है। दुकान के काउंटर के पास खड़ा व्यक्ति अपने बचाव में किनारे हो जाता है और यही वीडियो भी खत्म हो जाता है। गनीमत है कि हादसे में किसी को चोट नहीं लगी। क्रूज ड्रग्स केस में NCB ने ड्रग्स के खिलाफ एक्शन लिया था। RN का नाम आने के बाद मामला उछल गया, लेकिन धीरे धीरे लड़ाई राजनीतिक होती गई। अब RN को गिरफ्तार करने वाले समीर वानखेड़े आरोपों के घेरे में हैं। महाराष्ट्र सरकार में मंत्री नवाब मलिक ने तो समीर वानखेड़े के खिलाफ सीधा मोर्चा खोल दिया है, तो पूरा वानखेड़े परिवार नवाब मलिक के आरोपों को गलत बता रहा है। 2 अक्टूबर को जब NCB ने क्रूज पर छापा मारकर सुपरस्टार शाहरुख के बेटे आर्यन को गिरफ्तार किया था, तो किसी को अंदाजा नहीं था चंद दिनों में गिरफ्तार करने वाले अफसर समीर वानखेड़े खुद सफाई देते नजर आएंगे। दिल्ली में NCB दफ्तर में हाजिरी लगाने के बाद समीर मुंबई लौट आए। वहीं उनके पीछे पीछे आ रही है NCB की 5 सदस्यों की टीम, जो आज से जांच शुरू करेगी। इसकी वजह है NCP नेता और महाराष्ट्र सरकार में मंत्री नवाब मलिक का समीर वानखेड़े के खिलाफ मोर्चा खोल देना। नवाब मलिक ने नई चिट्ठी जारी की है। इस चिट्ठी में NCB के दर्ज 26 मामलों का जिक्र है। आरोप है NCB ने इन लोगों को फर्जी तरीके से फंसाया है। नवाब मलिक ने आरोप लगाए तो समीर वानखेड़े का परिवार सामने आ गया। बहन यास्मीन, पत्नी क्रांति रेडकर और पिता ज्ञानदेव समीर के साथ आकर खड़े हो गए। अपने ट्विटर पे एक खत जो मुझे प्राप्त हुआ है, वो खत किसी NCB के दफ्तर के एक अधिकारी ने अपना नाम गुप्त रखने की शर्त पे वो खत मुझे भेजा है। जो पत्र में लिखा गया है, हम चाहते हैं कि विजिलेंस के जरिए जो जांच हो रही है, उस जांच का हिस्सा ये पत्र भी बने और इन सारी चीज़ों की भी जांच हो। ये सब चीज़ें कहाँ हो रही है? ऑन द प्लेटफॉर्म ऑफ ट्विटर, ऑन एनी पब्लिक डोमेन। अगर इन बातों में थोड़ा सा भी सच है, तो मेरा ये एक एडवाइस है आपके चैनल के थ्रू, मिस्टर नवाब मलिक जी, गो पिक अप योर ग्रुप और व्हाट एवर योर काउंसलिंग इज एंड प्लीज गो टू द कोर्ट। ये पहली बार नहीं है जब नवाब मलिक ने आरोप लगाए हों। इससे पहले नवाब मलिक दावा कर चुके हैं कि समीर दरअसल मुस्लिम है, जबकि समीर के पिता ही इस बात को गलत बता चुके हैं। मैं आपको बता दूं, वो सारे सबूत हमारे पास हैं जो ये साबित कर देंगे कि वानखेड़े साहब, इन्होंने इस्लाम धर्म स्वीकारा था, बच्चों की परवरिश इस्लामी तरीके से हुई, इस्लामी तरीके से समीर वानखेड़े जी की डॉक्टर सबाना कुरैशी से शादी हुई
वो सारे कागजात आगामी दिनों में हम रखेंगे। ये सब गलत है और वो कुछ मैनिपुलेट किया हुआ है, कुछ स्टार बनाए हुए हैं, कुछ गोल राउंड किया है। ये ऐसा मैं पहली बार देखा हूँ कि हो सकता है ये आदमी, और एक ही आदमी कर सकता है ये नवाब मलिक, क्योंकि इसने 100% यही किया होगा। ना मेरी जात चेंज हुई, ना मेरा धर्म चेंज हुआ। गलत है, धर्मांतर किया ही नहीं, मेरा लव मैरिज है, मैंने दोनों ने मिलकर हमारे गवर्नमेंट के चीज में शादी किया, दोनों ही हम लोग एक दूसरे खुश है। ना धर्मांतर किया, ना नाम चेंज किया, ये कुछ भी जो मन में आया बोल रहे हैं। अभी ये महामंत्री महोदय जी क्या क्या बोल रहे, किसको किसको हम जवाब देंगे? समीर वानखेड़े के धर्म को आधार बनाकर ही नवाब मलिक ने उनकी यूपीएससी परीक्षा में फर्जीवाड़े का आरोप लगाया था। नवाब मलिक ने 25 अक्टूबर को ट्विटर पर एक बर्थ सर्टिफिकेट जारी किया था, जिसमें समीर वानखेड़े के पिता का नाम दाऊद कचरूजी वानखेड़े लिखा है। हालांकि साथ ही सर्टिफिकेट के दाएं किनारे पर एस्ट्रिक के आगे ज्ञानदेव कचरूजी वानखेड़े लिखा है। माँ के नाम के कॉलम में जाहिदा बानो है और धर्म के कॉलम में मुस्लिम लिखा है, नाम लिखा है समीर। आरोप है कि मुस्लिम होने के बाद भी खुद को अनुसूचित जाति का बताकर समीर ने नौकरी हासिल की। आज फिर कहता हूँ, मैं अपने दावे पे कायम हूँ कि जो बर्थ सर्टिफिकेट हमने ट्वीट किया है वो असली है। उस सर्टिफिकेट पे दाऊद के वानखेड़े उनके पिताजी का नाम है, और गौर से आप देखेंगे तो उस पर स्टाफ मार्क करके बाद में एडिशनल ऑल्टरेशन करने का काम सर्टिफिकेट में किया गया है। मैं और एक जानकारी साझा कर दूं कि मुंबई में जो बर्थ सर्टिफिकेट हैं लोगों के ऑनलाइन सर्च करके हासिल किए जा सकते हैं। वानखेड़े साहब की बहन का सर्टिफिकेट ऑनलाइन अवेलेबल है, लेकिन ये सर्टिफिकेट कितना भी सर्च करो ऑनलाइन नहीं मिलता। उनको पता है कि उन्होंने फर्जीवाड़ा किया है, उनको पता है कि उन्होंने फर्जी दस्तावेज समीर वानखेड़े को उस कुर्सी से हटाने के लिए किए हैं। ड्रैगस, हमें कोई डर नहीं है, क्योंकि हमको पता है हमारे डॉक्यूमेंट्स ओरिजिनल है। एक इंसान ऐसे ही यूपीएससी क्रैक नहीं कर लेता है, उसके बाद उसके पोस्टिंग के पहले उसकी पूरी जांच की जाती है। आपको क्या लगता है विजिलेंस की जांच नहीं होती? हर चीज की जांच होती है, हर चीज को चेक किया जाता है, और तभी वो इंसान जाके उस कुर्सी पे बैठता है। आज की डेट में ऐसे उठा उठा के ट्विटर पे लिखना बहुत आसान है, उस चीज को प्रूव करके बताइए। नवाब मलिक ने लगातार समीर वानखेड़े पर हमले किए हैं। उन्होंने वानखेड़े की एक होटल की तस्वीर भी जारी की थी। आरोप लगाया गया कि दुबई और मालदीव में फिल्मी सितारों से उगाही की गई। हमें तो पूरा यकीन है कि सारी उगाही मालदीव और दुबई में हुई है, जिसकी तस्वीरें हम आप लोगों को देंगे। खंडनी, एक्सटॉर्शन, ये बहुत ही घटिया शब्द है। मैं सरकार की परमिशन लेके अपने बच्चों के साथ में, अपने फैमिली के साथ में गया हूँ, तो अगर उसे एक्सटॉर्शन कहते हैं तो दिस इज नॉट एक्सेप्ट। एक गुमनाम चिट्ठी के आधार पर नवाब मलिक ने सिर्फ समीर वानखेड़े पर ही हमला नहीं किया, बल्कि उन्होंने ये भी आरोप लगाया कि एनसीबी दफ्तर में समीर वानखेड़े का एक गिरोह काम करता है। इस तरह से दफ्तर में कुछ विशेष अधिकारियों का गिरोह बना हुआ है, फर्जी मामले में लोगों को फंसाया जाता है, पैसे वसूल किए जाते हैं, जो ईमानदार अफसर है उन्हें दरकिनार किया जाता है, और कहीं ना कहीं ये पूरी जानकारी उस लेटर में जो दी गई है 26 मामलों की, हमें लगता है जांच होगी तो निश्चित रूप से और भी बहुत चीजों का खुलासा होगा। जिसने वो खत लिखा है सामने आए और बेधड़क तरीके से कंप्लेन करे, और फिर चाहिए तो इसकी जांच हो। लेकिन अगर बेबुनियाद कोई अगर लेटर कुछ लिखता है तो उसमें कोई मतलब नहीं है। ये सारे झूठे, सारे फॉल्स क्लेम्स हैं, क्योंकि अगर इसके ऊपर उनके पास कोई भी प्रूफ होगा तो आई एम श्योर वो कोर्ट में पेश करेंगे, और इसके ऊपर तभी न्याय हो पाएगा। हम ऐसे ट्विटरबाजी करके कुछ नहीं पा सकते। नवाब मलिक पहले भी आरोप लगा चुके हैं कि एनसीबी के जरिए केंद्र सरकार महाराष्ट्र सरकार को गिराने की तैयारी कर रही है। अपने आरोपों को लेकर नवाब मलिक ने सीएम उद्धव ठाकरे और राज्य के गृह मंत्री से मुलाकात की है। नवाब मलिक ने प्रभाकर सेल के आरोपों को आधार बनाकर भी एसआईटी के जरिए जांच कराने की मांग की है। वहीं वानखेड़े परिवार कह रहा है कि तंग जितना कर लें, लेकिन जीत सच की ही होगी। स्टार शाहरुख खान के बेटे आर्यन खान की जमानत याचिका पर आज दोपहर 2:30 बजे सुनवाई जारी रहेगी। कल भी अदालत के सामने दलीलें रखी गईं कि आर्यन की गिरफ्तारी का आधार ही नहीं बनता, इसलिए जमानत दी जानी चाहिए। उधर एनसीबी की जांच में खामियां मिलने से आर्यन की जमानत की राह और आसान हो सकती है।
क्या 24 दिन बाद छूटेगा आर्यन? 19 दिन बाद आर्थर रोड जेल से होगी रिहाई? क्या हाईकोर्ट से मिलेगी जमानत? ये वो सवाल है जिन पर न सिर्फ शाहरुख खान बल्कि पूरे देश की निगाहें लगी हैं। शाहरुख का लाडला 2 अक्टूबर को क्रूज ड्रग कांड में पकड़ा गया था और 3 अक्टूबर को उसे गिरफ्तार कर लिया गया था। दो अदालतों से केस होते हुए बॉम्बे हाईकोर्ट पहुंचा है। न्यायमूर्ति NW सांवरे की एकल पीठ के सामने आर्यन खान का पक्ष रखने के लिए देश के नामी वकील मुकुल रोहतगी पेश हुए। मुकुल रोहतगी की दलीलों का सार था, आर्यन के पास से ड्रग्स बरामद नहीं हुई, आर्यन ने ड्रग्स का सेवन नहीं किया, आर्यन अरबाज के पास मिली ड्रग्स का जिम्मेदार नहीं हो सकता। मुकुल रोहतगी ने ये कहा कि जो हमारा क्लाइंट है 23 साल का है, ये कैलिफोर्निया में पढ़ा हुआ है और मार्च 2020 को भारत आया था। इसके पास से ना तो कोई ड्रग्स बरामद हुआ है, ना ही इसने ड्रग्स का कंजम्पशन किया है और सबसे महत्वपूर्ण ना ही इसका मेडिकल टेस्ट हुआ। मुकुल रोहतगी ने दलीलें रखी, अरबाज के पास मिले ड्रग्स की मात्रा भी मामूली थी और उस पर उतनी गंभीर धाराएं नहीं बनती जितनी लगाई गई हैं। आर्यन ट्रैफिकिंग या पेडलिंग में शामिल नहीं, इसीलिए जमानत दी जानी चाहिए। पुरानी व्हाट्सएप चैट का मौजूदा केस से कोई लेना देना नहीं है। आज जो अचित कुमार वाला चैट है, जो एक पेडलर है, उसके संदर्भ में है। इस पर उसके वकील, आर्यन के वकीलों का क्या कहना है कि ये पोकर जो ऑनलाइन गेम होता है उसके संबंध में दोनों बातचीत कर रहे हैं। दोनों कॉलेज के एक लड़के हैं, हम उम्र हैं, हम दोस्त हैं और ये ऑनलाइन गेम के संदर्भ में बातचीत है, ये कोई ड्रग्स के बारे में बातचीत नहीं है। इस प्रकार की दलीलें आर्यन के वकील ने आज कोर्ट में रखी है। तो कहीं ना कहीं ये बताने की कोशिश की गई है कि ये जो चैट है इसका आज के जो क्रूज ड्रग्स केस है इससे सीधा संबंध नहीं है, बहुत पुरानी बात है जिसको जबरन जोड़ा जा रहा है। दरअसल ड्रग्स केस की जांच के दौरान NCB बार बार ये दावा कर चुकी है कि व्हाट्सएप चैट के तार किसी इंटरनेशनल ड्रग्स सिंडिकेट से जुड़े हो सकते हैं। कॉन्शियस पोजीशन और साजिश के आरोपों को गंभीर मानकर ही सेशंस कोर्ट ने जमानत खारिज की थी, लेकिन अब आर्यन के लिए लगी वकीलों की टीम NCB की जाँच में कमी उजागर करने में लगी है। जैसे NCB ने मोबाइल की जब्ती पंचनामे में नहीं दिखाई, आर्यन खान का मेडिकल नहीं कराया गया, गवाह किरण गोसावी के दो पते आधार कार्ड में लिखे गए हैं। जज के साथ से कुछ कहा नहीं गया हुआ है क्योंकि अभी सिर्फ आर्गुमेंट पेश हुई है, अभी इसके ऊपर जज का बोलना भी बाकी है। इस बीच क्रूज ड्रग्स केस में गिरफ्तार दो आरोपियों मनीष राजारिया और अवीन साहू को सेशंस कोर्ट ने जमानत दे दी है। इन दोनों को भी आर्यन के साथ ही गिरफ्तार किया गया था। मनीष के पास से भी ड्रग्स बरामद करने का दावा था। सब मनीष राजगिरिया के लिए अपीयर हो रहा था और वेरी स्मॉल क्वांटिटी था, 2.4 ग्राम था, वो भी इंडिविजुअल उसकी पोजीशन से नहीं मिला था। जब वो क्रूज से रिटर्न आ रहा था तो एक सिक्योरिटी ऑफिसर पाटिल करके उन्होंने वो कॉन्ट्राबैंड हाथ में दिया और ऐसा बोला कि इनके पास से मिला है। तो वो सारे ग्राउंड्स को देखते हुए सेशंस कोर्ट ने 50,000 का बिल ग्रांट किया है। एक बात बताइए कि उस पर कुछ NCB ने कुछ कहा था कॉन्स्पिरेसी में है, किसी के साथ है या किसी का फ्रेंड है, किस तरह के एलिगेशन? एलिगेशन ऑलमोस्ट सेक्शन 29 के हिसाब से सबके लिए कॉन्स्पिरेसी करके दिखाया हुआ है, लेकिन कॉन्स्पिरेसी करके ऐसा कुछ भी नहीं था उनके पास से। ऐसे में दोनों को जमानत मिलने से आर्यन खान की रिहाई की नई उम्मीद बन गई है। वहीं ड्रग्स केस में गवाह प्रभाकर सैल भी बयान से पलट चुके हैं, बल्कि उन्होंने अवैध वसूली का आरोप भी लगा दिया है। आर्यन की गिरफ्तारी के वक्त किरण गोसावी का हाथ पकड़ कर लाना या सेल्फी खिंचवाना भी NCB की जांच में कमी के तौर पर देखा जा रहा है। ऐसे में न सिर्फ आर्यन बल्कि अरबाज और मुनमुन धामीजा के वकील भी राहत की उम्मीद कर रहे हैं। दलीलें वही है हमारी और जो पहले थी आज भी वही है, सिर्फ अभी थोड़ा प्रोग्रेस हुआ है इस चीज को लेके, जो भी रिकॉर्ड्स पे चीजें आई है और जो समझ में आ रहा है उस हिसाब से हम अपना सबमिशन रखेंगे कोर्ट में। अदालत के सामने ये भी रखा गया कि ड्रग सेवन के मामलों में सजा के बजाय पुनर्वास पर जोर होना चाहिए। अब अदालत आज की सुनवाई के बाद अपना फैसला सुना सकती है। जोनल डायरेक्टर समीर वानखेड़े को लेकर महाराष्ट्र के मंत्री नवाब मलिक ने बड़ा दावा किया है। नवाब मलिक ने ट्वीट में दावा किया है कि समीर दाऊद वानखेड़े का निकाह शबाना कुरैशी के साथ 7 दिसंबर 2006 को हुआ था। निकाह अंधेरी के लोखंडवाला कॉम्प्लेक्स में हुआ था और मेहर की राशि 33,000 रुपए थी। इस निकाह के दो गवाह थे जिसमें दूसरे गवाह समीर के जीजा थे। नवाब मलिक ने निकाह का एक फोटो भी शेयर किया है। हालांकि अब तक नवाब मलिक ने निकाहनामे का फोटो शेयर नहीं किया है जिसमें समीर के आगे दाऊद लिखा हो। ये बड़ी जानकारी इस वक्त हम आपको दे रहे हैं। आपसे कुछ देर पहले नवाब मलिक ने ये ट्वीट किया है और ट्वीट करके उन्होंने ट्वीट में अपने लिखा है अपने दावे के साथ कि समीर दाऊद वानखेड़े का निकाह शबाना कुरैशी के साथ 7 दिसंबर 2006 को हुआ था। और ये तस्वीर जो आप देख रहे हैं जिसमें समीर वानखेड़े और साथ में शबाना कुरैशी नजर आ रही हैं, ये फोटो भी नवाब मलिक ने अपने ट्विटर हैंडल पर शेयर किया है और उन्होंने लिखा है कि फोटो ऑफ स्वीट कपल और ये तस्वीर साथ में उन्होंने लगाई है। और उनका दावा है कि 2006 को
समीर वानखेड़े का निकाह, जिसमें उन्होंने जो नाम लिखा है समीर दाऊद वानखेड़े पूरा नाम लिखा है, 2006 को निकाह हुआ था, अंधेरी के लोखंडवाला कॉम्प्लेक्स में ये निकाह हुआ था और मेहर की राशि 33,000 रुपए थी और उस निकाह में दो गवाह थे जिसमें दूसरे गवाह समीर के जीजा थे। क्रूज ड्रग्स केस के गवाह प्रभाकर सैल ने शाम 7 बजे से देर रात 3 बजे तक दर्ज कराया बयान। प्रभाकर ने करोड़ों की डील के आरोप लगाए। समीर वानखेड़े पर वसूली के आरोप लगाने वाले क्रूज ड्रग केस के गवाह प्रभाकर सैल से एनसीबी करेगी पूछताछ। पूछताछ के लिए आज दोपहर 12 बजे एनसीबी दफ्तर बुलाया गया है। एनसीबी के 5 सदस्यों की विजिलेंस टीम समीर वानखेड़े पर वसूली के आरोपों की जांच के लिए आज सुबह 9 बजे मुंबई रवाना होगी। विजिलेंस चीफ ज्ञानेश्वर सिंह भी होंगे साथ। क्रूज ड्रग्स केस में शाहरुख के बेटे आर्यन की जमानत पर बॉम्बे हाईकोर्ट में आज दोपहर 2:30 बजे फिर सुनवाई। कल कोर्ट से नहीं मिली थी जमानत। मुंबई के पूर्व पुलिस कमिश्नर परमबीर सिंह को भगोड़ा घोषित करने की तैयारी शुरू। महाराष्ट्र सरकार ने परमबीर की सैलरी रोकी। छुट्टी का बहाना बनाकर मुंबई से बाहर गए थे परमबीर, अब फरार है। चलिए कुछ और अहम खबरें आप तक पहुंचाएं तेज रफ्तार। पेगासस जासूसी मामले की जांच की मांग पर सुप्रीम कोर्ट आज सुनाएगा फैसला। सुनवाई के दौरान एक्सपर्ट ने एक निष्पक्ष कमेटी बनाने का प्रस्ताव दिया था। बिहार में उपचुनाव के लिए प्रचार हुआ तेज। लालू यादव की आज तारापुर और कुशेश्वर स्थान विधानसभा सीट पर जनसभा। जेल से छूटने के बाद लालू की पहली चुनावी रैली। बिहार में उपचुनाव के बीच जुबानी जंग हुई तेज। लालू यादव के बयान पर नीतीश का पलटवार। कहा, लालू चाहे तो मुझे गोली भी मरवा सकते हैं। लालू ने कहा था कि नीतीश कुमार का विसर्जन करने आए। यूपी में विधानसभा चुनाव से पहले पिछड़े वर्ग के वोट को साधने में जुटे सीएम योगी। लखनऊ और गोंडा में बीजेपी पिछड़ा वर्ग सम्मेलन में शामिल होंगे। अमित शाह का इस महीने के अंत में लखनऊ दौरा। 2 दिनों के दौरे में अमित शाह 5 बैठकें करेंगे। सदस्यता अभियान और चुनाव की तैयारियों पर करेंगे मंथन। टॉप 15 में कुछ और अहम खबरों का रुख कर लेते हैं। यूपी के मऊ में अखिलेश यादव और ओम प्रकाश राजभर की साझा रैली। समाजवादी पार्टी और सुहेल देव भारतीय समाज पार्टी के साथ चुनाव लड़ने का ऐलान किया। मुजफ्फरनगर में आज दोपहर 12 बजे AIMIM प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी की जनसभा। उसके बाद उत्तराखंड के रुड़की भी जाएंगे ओवैसी। इंदिरा गांधी की पुण्यतिथि पर प्रियंका गांधी 31 अक्टूबर को गोरखपुर में करेंगी प्रतिज्ञा रैली। वाराणसी से ज्यादा भीड़ जुटाने की कोशिश में है कांग्रेस। पंजाब के पूर्व सीएम कैप्टन अमरिंदर सिंह आज नई पार्टी का ऐलान कर सकते हैं। सुबह चंडीगढ़ में प्रेस कॉन्फ्रेंस। कांग्रेस के आरोपों का जवाब भी दे सकते हैं। तमिलनाडु में दर्दनाक हादसा। कल्लाकुरुचि जिले में पटाखा फैक्ट्री में आग लगने से 5 मजदूरों की मौत, 9 लोग घायल, 3 की हालत गंभीर। और अब खबर पंजाब से। पंजाब के पूर्व सीएम कैप्टन अमरिंदर सिंह आज अपनी नई पार्टी का ऐलान कर सकते हैं। कैप्टन आज सुबह प्रेस कॉन्फ्रेंस करने वाले हैं। माना यह जा रहा है कि इसी प्रेस कॉन्फ्रेंस में कैप्टन नई पार्टी का ऐलान कर सकते हैं। मैं आई एम नॉट गोइंग टू रिमेन इन द कांग्रेस। नंबर 2, आई एम नॉट जॉइनिंग द बीजेपी। दैट इज एनफ फॉर एट द मोमेंट। मैं तो लोग पहले भी कहा है, सिद्धू इज नॉट द राइट मैन फॉर पंजाब। पंजाब में नवजोत सिंह सिद्धू के नेतृत्व वाली कांग्रेस के खिलाफ बगावत करने वाले कैप्टन अमरिंदर सिंह आज नई पार्टी का ऐलान कर सकते हैं। अमरिंदर सिंह के मीडिया सलाहकार रवीन ठकराल के ट्विटर हैंडल से ये जानकारी दी गई है, जिसमें कहा गया है कि चंडीगढ़ में बुधवार को सुबह 11 बजे अमरिंदर सिंह प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे। प्रेस कॉन्फ्रेंस में अमरिंदर अपनी पाकिस्तानी पत्रकार दोस्त अरूसा आलम पर कांग्रेस के आरोपों का जवाब दे सकते हैं। पंजाब में चन्नी सरकार अरूसा के बहाने अमरिंदर की पाकिस्तान से लिंक की जांच कराने की तैयारी में है। नई पार्टी के ऐलान के साथ अमरिंदर कृषि कानून और बीएसएफ अधिकार क्षेत्र के मुद्दे पर अपनी राय खुलकर रख सकते हैं। अमरिंदर सिंह के इस ऐलान से पंजाब कांग्रेस खेमे में हलचल बढ़ गई है, क्योंकि डर इस बात का है कि पार्टी के कई नेता आज अमरिंदर सिंह के मंच पर नजर आ सकते हैं। कांग्रेस ने नई पार्टी बनने से पहले ही कैप्टन पर हमले शुरू कर दिए हैं। ਮੈਨੂੰ ਉਹਦਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਅਫਸੋਸ ਅਤੇ ਦੁੱਖ ਹੋਇਆ ਕਿ ਉਸ ਆਦਮੀ ਨੂੰ, ਜਿਸ ਆਦਮੀ ਨੂੰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਅਹੁਦੇ ਬਖਸ਼ੇ, ਹਮੇਸ਼ਾ ਆਨਰ ਕੀਤਾ। ਬੇਸ਼ੱਕ ਟਾਈਮ ਟੂ ਟਾਈਮ ਕੈਪਟਨ ਸਾਹਿਬ
कांग्रेस की पिठ च छुरा मारते रहे। उन्होंने लैंग्वेज मैं कहूँगा कि जो कोई उन्होंने नाल नाराज हों तो उन्होंने ये कह रहे ये बैक स्टैबिंग कर रहा है। अमरिंदर ने पिछले सप्ताह कहा था कि वो जल्द ही अपनी पार्टी बनाएंगे और अगर 3 कृषि कानूनों को लेकर किसानों को हित में कुछ समाधान निकलता है तो वो भाजपा के साथ 2022 के चुनाव में सीटों के समझौते को लेकर आशान्वित है। आशा अमरिंदर को ही नहीं बीजेपी को भी है। अमरिंदर सिंह ने नवजोत सिंह सिद्धू के साथ चली लंबी लड़ाई के बाद पिछले महीने पंजाब के मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा दे दिया। पूर्व मुख्यमंत्री ने इस्तीफे के बाद कहा कि वो अपमानित महसूस करते हैं। कांग्रेस ने उनकी जगह चरणजीत सिंह चन्नी को मुख्यमंत्री बनाया है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। आपको छत्तीसगढ़ के कांग्रेस विधायक विनोद चंद्राकर का नाम शायद याद नहीं होगा, लेकिन 3 साल पहले की एयर इंडिया की फ्लाइट की घटना याद दिलाएंगे तो उनका नाम याद आ जाएगा। जब फ्लाइट के लिए देरी से पहुंचने पर उन्होंने रायपुर एयरपोर्ट पर महिला कर्मचारी से बदसलूकी कर दी थी। अब उन्हीं विधायक जी का ताजा मामला महासमुंद जिले से सामने आया है, जहां आबकारी विभाग के कर्मचारी के साथ मारपीट की गई। मारपीट का आरोप कांग्रेस विधायक विनोद चंद्राकर और उनके समर्थकों पर है। हिलती डुलती तस्वीरों को जरा हम रोक कर दिखाते हैं। घेरे में दिख रहे ये वही महानुभाव हैं, जिनकी वीरता एक बार फिर चर्चा में है। ये है छत्तीसगढ़ कांग्रेस के विधायक विनोद चंद्राकर। विधायक जी और उनके समर्थकों पर महासमुंद जिले में आबकारी विभाग के एक कर्मचारी लीला राम साहू से उसके दफ्तर में घुसकर मारपीट का आरोप है। कहाँ से आए हो बताया, मैं बिलासपुर से, यहाँ क्या करते हो तो बताया आप बेहतर हूँ। उतने में वो लोग मुझे मारने लगे, तो उसमें से दीपक ठाकुर नाम का जो लड़का था ना सर, वो बहुत मारे हैं। अब मेरा चाबी और मोबाइल भी कर मिल गया था, मोबाइल तो छोड़ दिए हैं लेकिन ना चाबी को, मेरे बाइक का चाबी लेकर चले गए। लीला राम की आंख में गंभीर चोट है और पूरा चेहरा खून से लथपथ हो गया है। लीला राम के मुताबिक विधायक जी सरकारी शराब की दुकान में अपनी मर्जी के मुताबिक जो उससे काम करवाना चाहते थे वो नहीं कर रहा था, इसलिए उसके साथ विधायक और उसके समर्थकों ने मारपीट की। गुंडा राज, ये है विनोद कुमार चंद्राकर नेता, जो आकर मुझे ऑफिस में मारपीट करके गए हैं। उसके साथ में तर्थी पर, विधायक द्वारा की गई मारपीट में घायल आबकारी कर्मचारी ने इसकी लिखित शिकायत थाने में भी की, लेकिन अब तक विधायक या उनके साथियों के खिलाफ कोई मामला दर्ज नहीं किया गया है। देखिए, देश में मुख्य तौर पर 2 ही वैक्सीन लग रही हैं, एक कोविशील्ड और दूसरी कोवैक्सीन। ये कितनी असरदार है ये जानने से पहले देख लेते हैं कि अभी देश में वैक्सीनेशन की रफ्तार क्या है। आपको टच स्क्रीन के जरिए बताते हैं। अभी तक देखिए देश में 103 करोड़ लोगों को टीका लग चुका है, उनका वैक्सीनेशन हो चुका है। पहली डोज इस 103 करोड़ में से करीब 54% लोगों को लग चुकी है और दोनों डोज की अगर बात करें तो करीब 23% लोगों को डोज दोनों, यानी कि 2 डोज जो कोरोना वैक्सीन की लगनी थी वो लग चुकी है। तो उस लिहाज से 23% लोग दोनों डोज लगवाकर सुरक्षित हो चुके हैं और एक डोज लगवाकर 54% लोग सुरक्षित हो चुके हैं और जल्दी सबकी कोशिश ये है कि वो दोनों डोज भी लगाएं। अब बात कर लेते हैं दोनों वैक्सीन की कि आखिर कौन सी वैक्सीन कितनी असरदार है, ये जानना हम सब के लिए बहुत जरूरी है और वो भी आपको हम ग्राफिक्स के जरिए बताते हैं। देखिए, बात कर लेते हैं कोविशील्ड की। सबसे पहले सीरम इंस्टीट्यूट और एस्ट्राजेनेका ने मिलकर कोविशील्ड बनाई है और अब तक देश में 89 करोड़ डोज इसकी लग चुकी है कोविशील्ड की और असरदार ये करीब 90% है, यानी कि इसकी एफिकेसी जो है वो 90% है। और वहीं कोवैक्सीन की बात कर लें, भारत बायोटेक ने कोवैक्सीन बनाई है, इसकी 11 करोड़ डोज अब तक देश में लोगों को लग चुकी है और इसकी एफिकेसी यानी कि कितनी असरदार है तो 78% असरदार है। और इसीलिए बार बार आप सबसे अपील है कि जिनका भी वैक्सीनेशन नहीं हुआ है जल्द से जल्द अपना वैक्सीनेशन जरूर कराएं। तो ये आंकड़े बता रहे हैं कि दोनों ही वैक्सीन काफी असरदार हैं और ऐसे में कोरोना से बचना है तो वैक्सीन जरूर लगवाइए।
आइए अब सीधा रुख करते हैं इरफान जी का और जानते हैं आज कार्टून के जरिए क्या कुछ बता रहे हैं। देखिए आर्यन की गिरफ्तारी का मामला अब वानखेड़े बनाम नवाब मलिक हो गया है। लोग वानखेड़े से आर्यन के बारे में कम उनके बारे में ज़्यादा बात कर रहे हैं। अब देखना यह है कि इस आरोपों की घमासान आग से वो अपना दामन कैसे बचा पाएंगे। ABP News आपको रखे आगे।